सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो यार अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, मतलब ऐसे ही घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा है। मैं सोचा गाड़ी लेके निकलता हूँ, थोड़ा घूमेंगे, मस्त मजे करेंगे और आप लोगों से थोड़ी बातें भी करेंगे। क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है यार, नई कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। पहले एक चल रही थी, उसके साथ एक और स्टार्ट हुई है, बट दूसरी वाली का भी कोई अपडेट नहीं है, तो हम उस पर थोड़ी बहुत बातें करेंगे। बाकी जो मैक्सटन और एलविस भाई की है उस पर भी थोड़ी बातें करेंगे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। बाकी शाम का मौसम काफी अच्छा रहता है, सूर्य भगवान एकदम जा चुके होते हैं, मतलब हल्का हल्के से धूप आती रहती है, ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती। एल्विस भाई जब मुनावर फारूकी से मिले तभी से स्टार्ट हुआ है और उसी टाइम ये सब चल रहा था। तो मुनावर फारूकी ने मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए एक वीडियो अपलोड करी अपने रील्स में, और भाई ये रील्स देख के अपने यूके भाई भड़क गए। और यूके भाई का गुस्सा तो आप लोग को मालूम है, और उनका पहले से पछड़ा भी है मुनावर से। तो बस ये दोनों चीज़ उनको मिली और वो कंट्रोवर्सी में जंप कर गए, क्योंकि भाई को कोई बोलेगा तो मैं रुकेगा नहीं, यूके भाई का ऐसा कहना था। तो यूके भाई जैसे ही कंट्रोवर्सी में आते हैं, मुनावर फारूकी को चैलेंज कर देते हैं एक वीडियो के साथ कि भाई अगर तेरे में दम है तो आ जा, 1v1 बॉक्सिंग करते हैं, जो भी पैसा रेज होगा उसे चैरिटी में करेंगे, और पोस्ट कर देते हैं मुनावर को टैग करके। अभी तक तो ये चीज़ है कि मुनावर ने इसके रिप्लाई में कुछ भी चीज़ नहीं डाली है, क्या पता आगे कुछ हो जाए। बट आप लोग बताओ यार, आप लोग क्या लगता है आप लोगों को कि जो हमारे यूके भाई हैं, क्या मुनावर को बॉक्सिंग मैच में हरा सकते हैं, या फिर मुनावर फारूकी यूके भाई को बहुत गंदा मारेगा, क्योंकि यूके भाई की हमारे बॉडी वगैरह तो है नहीं। और देखो यार, लड़ने में तो वोट नहीं चलते ना, वहाँ पे तो बॉडी लगती है। तो आप लोग कमेंट करो क्या सीन है। मैं सोचा भाई ये बंदा पागल हो चुका है, कुछ भी मार खाने के लक्षण क्यों कर रहा, चैलेंज क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर अपन यूके भाई को कंपेयर करें तो मुनावर की बॉडी फिर भी बहुत अच्छी है, आप समझ रहे हो ना, बहुत अच्छी है यूके की कंपेयर में। तो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मुनावर को कि आप लोग मेरे को गाली भरना स्टार्ट कर दो, ना बाबा नक्को, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसा सीन हो सकता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मुनावर का इस पर कोई अपडेट आता है मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। ये रोड है भाई, ये रोड है हमारे यहाँ की, भोपाल की रोड है ये, देखो कितनी मस्त है। ऐसी रोड देखा आपने कभी? नहीं देखा ना। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं हमारी न्यू कंट्रोवर्सी की, हमारे एल्विस भाई और मैक्सटन भाई की। तो इसका अपडेट ये है यार कि अभी इसमें जंप कर गए हैं हमारे रजत दलाल और ये सबके मसीहा, ये सबसे बड़े एकदम, समझ रहे हो ना, वीर। तो ये अब कंट्रोवर्सी ख़त्म कराएंगे। इनका कहना है कि आज शाम को सब मिलने वाले हैं, रजत दलाल, नितिन चंदेला, एल्विस भाई के फ्रेंड। अब देखो, होप किया जा रहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी है आज एंड हो जाए, और ये भी होप करता हूँ इसके साथ कोई न्यू स्टार्ट ना हो। बाकी मेरे को कुछ परसेंटेज लग रहा है, 10% लग रहा है कि कुछ न्यू भी स्टार्ट हो सकता है। बस हम लोग क्या ही कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कुछ न्यू स्टार्ट ना हो और ये सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। बाकी मैक्सटन भाई घर में सब मिलने वाले हैं। वैसे मैक्सटन भाई का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा जिसमें वो बोल रहे थे कि भाई मेरी माँ जो है हार्ट पेशेंट है और वैसे भी इतने पचड़े हो चुके हैं, मैं नहीं चाहता और हो जिससे मेरी माँ को और तकलीफ हो और मेरे कारण उनको हार्ट अटैक आए, ऐसा ना हो, भगवान ऐसा कभी ना करे, उनकी मम्मी एकदम हमेशा खुश रहे, एकदम हमेशा अच्छी रहे। तो मैक्सटन भाई का कहना ये था। तो मैक्सटन भाई तो अपने साइड से भाई पीछे हट चुके हैं, उनका क्लियर है कि भाई मुझे ये कंट्रोवर्सी ख़त्म करनी है, और मुझे सुनने में आ रहा है कि भाई कुछ पैसों का मामला है, मतलब पैसे वगैरह लेन देन की गई है। यार अच्छा है यार, 2-4 लपाड़े 5-10 ठूसे मारे जाएँ और फिर 10 लाख मिल जाए तो क्या कमी है। अरे यार 2 लाख ही मिल जाए तो क्या बुरा, कोई दिक्कत नहीं भाई, लोगों की ज़िंदगी लग जाती कमाने। तो चलो देखते हैं, मैक्सटन भाई तो अपने साइड से पीछे हट चुके हैं, अभी ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है ये अपन को आगे देखने को मिलेगा। बाकी मैं भी यार देख रहा हूँ थोड़ा कि यूट्यूब कितना गंदा हो चुका है, कि मतलब ये सब सीन हो रहे हैं। बाकी तुम्हारा भाई अभी आ चुका है ट्विटर पे। अभी मैं ना ट्विटर से थोड़ा दूर रहता था, थोड़ा क्या बहुत ही दूर रहता था, कभी पोस्ट वगैरह नहीं करता था, लेकिन अभी मैं एक्टिव होने वाला हूँ, क्योंकि यार ट्विटर क्या खतरनाक चीज़ है भाई। ट्विटर एक वॉर जोन है, मतलब जो वहाँ पे जाएगा उसका तो
युद्ध होना पक्का है, तय है, आप वहाँ बिना लड़े नहीं बच सकते हो। तो बस यार मैं भी थोड़ा मजे लेने के लिए आ गया हूँ। ट्विटर पे अतुल अग्निहोत्री आप फॉलो कर सकते हो। लास्ट में अग्निहोत्री का जो आई होता है उसे ट्रिपल आई कर देना, 4 आई कर देना, हमारा आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एंड चलो आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई लोग।